बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट करके भाजपा सरकार पर अखिलेश ने हमला बोला, मंत्री नेताओं के घर दुकान के नक्शे की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालय, मंत्री नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को वैध नक्शे और अनुमति की जांच करके उन पर बुलडोजर चलाए। दूसरों का घर दुकान गिराने वाले भाजपाई पहले खुद पर इसे लागू करके दिखाए। तो एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं और ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पहले भाजपा सरकार अपने लोगों, कार्यकर्ता और मंत्रियों के घर दुकानों के नक्शे की जांच करवाए, उन पर कार्रवाई करे। अब खबर कौशाम्बी से है। प्रयागराज मजिस्ट्रेट की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। बुलेरो में सवार 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि सभी लोग कड़ाधाम शीतला माता की ओर दर्शन करने जा रहे थे। सैरी कोतवाली के गुलामीपुर गनपा चौराहे के पास ये हादसा पेश आया है। प्रयागराज में मजिस्ट्रेट की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हालांकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 2 दिनों से लापता युवक का शव मिला है। युवक का जला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप से शांत हुआ है मामला। खतौली थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर का यह मामला, जहां अजला युवक का एक शव मिला है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया और हालांकि पुलिस ने अब मामले को शांत कराया है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। खतौली थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कुर्की गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर पर कार्रवाई हुई है। मोहम्मदाबाद बाजार में मंसूर अंसारी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 18 दुकानों को कुर्क किया गया है। कुर्की के समय कई थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी कोर्ट ने दिया था आदेश। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, देखिए किस तरीके से पहले मुनादी कराई गई और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है, जिस पर आज ये बड़ी कार्रवाई की है, कुर्की की कार्रवाई की गई है और 18 दुकानों को आज कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई आज की गई है। मोहम्मदाबाद बाजार में मंसूर अंसारी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और उसके अंदर 18 दुकानों को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर की बेनामी भवन संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा अपने आदेश संख्या 132/18 जे थाना मोहम्मदाबाद कुर्की आवलिक 2023 दिनांक। अखबार रायबरेली से है, यहाँ युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर खेत से मिला प्रेम विश्वकर्मा नाम के युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि युवक की गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जांच में जुट चुकी है। डे थाना क्षेत्र के परसदेपुर चौकी के बरावा गाँव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, गाँव के बाहर खेत से एक युवक का शव मिला है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक की गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, रायबरेली का पूरा मामला है। खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डी थाना क्षेत्र के बरावा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये कल शाम 7 बजे से लापता था। इसके परिवार वालों तथा पुलिस की मदद से कल रात 2 बजे तक इसको ढूंढा गया। नहीं मिलने पर वापस सुबह इसकी खोजबीन शुरू हुई तो जानकारी में आया कि ये लड़के की बॉडी, डेड बॉडी उसके घर के कुछ दूरी पे प्राप्त हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला करके जांच पड़ताल की जा रही है और लड़के का शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। इधर पीलीभीत में वन विभाग ने एक बाघिन को पकड़ा है। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में बाघिन पहुंच गई थी और पीलीभीत के शहपुरा में बाघिन को बेहोश करके पकड़ा गया है। बाघिन को टाइगर रिजर्व रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है पीलीभीत से, जहां एक बाघिन को वन विभाग की टीम की तरफ से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में दाखिल हो गई थी बाघिन, जिसके बाद वन विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचा और बेहोश करके
पीलीभीत के शहपुर में इस बाघिन को पकड़ा गया है। हालांकि टाइगर रिजर्व अब इस बाघिन को भेज दिया गया है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए कैसे पहले बाघिन को बेहोश किया गया और उसके बाद उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। पीलीभीत का पूरा मामला, टाइगर रिजर्व रेस्क्यू सेंटर अब इस बाघिन को भेजा गया है। काफी देर तक मौके पर हड़कंप भी मचा रहा, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद ट्रैकलाइज किया गया और उसके बाद रेस्क्यू सेंटर अब बाघिन को भेजा गया। कानपुर के हैलट अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हैलट अस्पताल के वार्डों में एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं और नष्ट करने की जगह अलमारी में इन्हें सुरक्षित रखा गया था। हैलट अस्पताल के 3 वार्डों में एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं। डॉक्टर संजय काला के निरीक्षण में ये पोल खुली और लापरवाही बरतने पर वार्ड प्रभारी को नोटिस भी थमा दिया गया है। पिछले महीने भी एक महिला को एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और एक बार फिर से ये बड़ी लापरवाही हैलट अस्पताल में देखने को मिली। कई वार्डों में एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं, जिन्हें नष्ट करने की जगह अलमारी में सुरक्षित रखा गया और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। निरीक्षण करने पहुंचे थे प्रभारी और तब ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ये एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिल रही हैं, दवाइयां मिलती है पहले ये बताओ यहाँ। हाँ मिलती हैं, लगा देते हैं, बोतल लगा देते हैं यहाँ पे। बाहर से भी कुछ लाना पड़ता है? बाहर से आधी दवाई बाहर से लिख देते हैं। जो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिल रही हैं, अगर मरीज को लग जाए तो काफ़ी नुकसान है। हाँ वो तो नष्ट हो जाएगा। अच्छा इनके साथ क्या होना चाहिए? जो लोग मतलब लगाते हैं उनको निकाल लेना चाहिए नौकरी से। देखिए ये सब मरीजों के तीमारदार हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ा प्रकरण है और बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। इससे पहले भी अपर इंडिया जच्चा बच्चा अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को ये एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लगाने की मामला सामने आया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। हालांकि उस पर कार्रवाई की गई, प्रिंसिपल का कहना है कि जो दोषी था उसको बर्खास्त तक किया गया, लेकिन 3 वार्डों में इस तरह से एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन मिलना और उनका नष्ट ना किया जाना, जबकि नियम है कि 3 महीने पहले से ही इसको हटा दिया जाना चाहिए, जो CMO आलोक रंजन खुद बताते हैं, तो ऐसे में बड़े सवाल उठाता है। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देना होगा कि खुद प्रिंसिपल संजय काला ने जब इंस्पेक्शन किया तो इस तरीके के एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन मिले और जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। इलाज बिल्कुल नहीं सही मिलता है, बिल्कुल कोई सुधार नहीं। मरीज 1.5 महीना से कोमा में है, डॉक्टरों को बोलो देख के चले जाते, सुनते ही नहीं है वो। खैर दवाई वाई तो दे रहे हैं लेकिन बाहर की दवाई आती है। इलाज ऐसा हो रहा, चारपाई का नहीं पड़ता है केवल, और ना यहाँ से कोई दवा मिले, अब सब बाहर से लिख देते हैं, सब बाहर से दवा ला रहे हैं। संजय काला हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब इंस्पेक्शन आपने किया, क्या ये रूटीन इंस्पेक्शन था और क्या मामला है? नहीं एक्चुअली हम लोग लगातार वार्डों में समय समय पर चेकिंग करते हैं। हाल ही में पिछले महीने एक मामला उछला था जिसमें एक एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन एक मरीज को नर्स द्वारा गलती से लगा दिया गया था, तो उसी के में एक्शन लेते हुए नर्स को बर्खास्त भी किया गया था और 2 अन्य जो एक फार्मासिस्ट और एक जो सीनियर सिस्टर थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। तो उसी के अनुक्रम में हमने कहा ताकि सिस्टम में जो व्यवस्थाएँ हैं सुचारू रूप से चलते रहें, तो कल मैंने सुबह 9 बजे समस्त जो वार्ड इंचार्जेस हैं और जो वाइस प्रिंसिपल हैं और हमारे SIC हैं उनके साथ मिल करके हम लोगों ने अचानक औचक निरीक्षण के इकट्ठे एक टाइम पे सारे वार्ड में, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में हमारा क्षेत्रफल है, तो इसमें हमने मेडिसिन सर्जरी गायनी ऑर्थोपेडिक्स 4 जगह पे हम लोगों ने विभिन्न वार्डों में वहाँ की व्यवस्थाएँ देखने हेतु इंक्लूडिंग ड्रग्स हमने छापा मारा। तो ज़्यादातर वार्ड्स में हमको सुविधाएँ अच्छी मिली और डॉक्यूमेंटेड थी, लेकिन कुछ वार्ड में हमने पाया, कुल मिलाकर के हमने हमारे छापे में देखा गया कि कुछ वार्डों में एंटीबायोटिक के 6 इंजेक्शंस थे जो एक्सपायरी डेट के थे, लेकिन ये अलग रखे हुए थे, वो नॉर्मल इंजेक्शन के साथ में नहीं थे। तो सिस्टम को मजबूत करते हुए और गलतियों को मिनिमाइज़ करने की कोशिश है और इसके लिए एक नए सिस्टम को भी बनाया जा रहा है ताकि एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन या दवाइयाँ अब ना मिलें किसी इंस्पेक्शन में भी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं शिवपाल यादव। इटावा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की है। 18 मार्च को इटावा में होने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव। शिवपाल यादव का भाजपा सरकार पर हमला, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ही छापेमारी हो रही है। शिवपाल यादव का ये कहना है भाजपा सरकार में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, भाजपा को कोई भी नेता ईमानदार नहीं लगता है। शिवपाल यादव ने ये तमाम बड़ी बातें कही। ब्रजेश पाठक सिर्फ विज्ञापनों में लगे रहते हैं।
हमारे चुनाव की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव को समय पर उनको जवाब मिल जाएगा। देखिए ये केवल विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल विपक्षी लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, तो उनमें लोकतंत्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देखा ही होगा कि इतना भ्रष्टाचार, और मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ईमानदार लगता नहीं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने मिशन 2024 की तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में आज उन्होंने शामली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने सियासी विरोधियों पर जमकर हमला बोला और 2024 के चुनाव में जीत का दावा भी किया है। इसके साथ ही उन कस्बे में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 80 सीट पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने पूरा जोर लगा दिया है। तो 2024 की तैयारी में जुट गई है आरएलडी। समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब आरएलडी भी जो जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। आज इसी को लेकर शामली में एक जनसभा को संबोधित किया जयंत चौधरी ने। यहाँ बड़ा हादसा हुआ है और कांगला के हमारे गुनार नौजवान उसमें चले गए, चोटिल भी हुए, उनके परिवारजनों से मिलने हम सिर्फ कांगला के अलावा और कहाँ कहाँ गए थे? कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम शामली भी जरूर जाऊंगा। हरेंद्र वर्मा जी का निधन हुआ है, शोक हुआ है। खबर लखनऊ से है जहां मनाली पिगमेंट्स पेंट फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ। गैस रिसाव होने से आसपास के कई लोग बेहोश हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को खाली करा दिया है। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इलाके में पहले भी गैस रिसाव की घटना हो चुकी है। दर पेंट फैक्ट्री में फायर सिस्टम की भी व्यवस्था नहीं है। बाजार खाला थाना क्षेत्र के मिल एरिया चौकी की घटना बताई जा रही है। मनाली पिगमेंट पेंट्स फैक्ट्री में अचानक से गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद आसपास के जो कई लोग थे वो बेहोश हो गए। इधर पेंट फैक्ट्री में लापरवाही भी सामने आई है, फायर सिस्टम नहीं मिला। और आप देखिए किस तरीके से जब गैस रिसाव हुआ उसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया, कई जो लोग थे वो बेहोश हो गए। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले भी ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गए और आज एक बार फिर से गैस रिसाव होने के चलते जो कई लोग थे वो बेहोश हो गए। बाजार खाला थाना क्षेत्र के मिल एरिया चौकी की घटना बताई जा रही है। सारे मोहल्ले को प्रॉब्लम है, ये मेरे घर के सामने है, ठीक है। और ये गैस जो है रात में चलाते हैं और इतनी घुटन होती है जिससे सांस लेने में परेशानी होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। अरे भैया पूरी पब्लिक सुबह से परेशान, हमारी पोती नाम सारी हो, सब खांसर बेहोश हो रही है, सब बहुत ही चिंता है। भैया हम खुद ही सुबह मर्च बच्चन सांस नहीं ले पाए तो कमरा बंद कर लिए, पल्ला घुस गए, बच्चा जल कैसे महंगा कर गए, सब गैस घुस जा रहे अंदर गंदी गंदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।